चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ी खबर, जहां बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। तो टीका लगवाने पर स्कूल से दो दिन की छुट्टी दी जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और वैक्सीनेशन के दिन और अगले दिन छुट्टी दी जाएगी। तो 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन जारी है और इसी को लेकर सरकार ने आदेश दिया है। टीका लगवाने पर स्कूल से दो दिन की छुट्टी मिलेगी। वैक्सीनेशन जिस दिन होगा उस दिन और साथ ही अगले दिन बच्चों को वैक्सीन लगाई छुट्टी दी जाएगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अशफाक, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, एक आदेश दिया है कि जो भी बच्चे वैक्सीनेशन कराते हैं उन्हें दो दिन की छुट्टी दी जाएगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पिछले जो दो दिन से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो इसमें जब हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन से जुड़े डॉक्टरों से बात की तो उनका ये कहना था कि जिनको चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, जिनको वैक्सीन लगती है तो कुछ लोगों को वैक्सीन का हल्का सा रिएक्शन होता है जिसमें हल्का फीवर या तेज फीवर आ जाता है, ये जो है इंडिकेट करता है कि उन्हें वैक्सीन लगी हुई है। इसके साथ ही ये जो है डॉक्टरों ने, जो चिकित्सक हैं, उन्होंने सरकार को एडवाइस किया था कि जो जिन बच्चों को जो है वैक्सीन लग रही है उन्हें छुट्टी दी जाए, तो सरकार ने उसको तुरंत कार्रवाई की और सरकार ने ये कहा कि जिन बच्चों को वैक्सीन लग रही है जिस दिन लगेगी और उसके एक दिन बाद एहतियात के तौर पर वो घर पे रहे ताकि अगर कोई उन्हें हल्का फीवर या दूसरी चीजें आती है तो उनका इलाज कर सके। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई वैक्सीनेशन सेंटर जो की लखनऊ में बने हुए हैं, जो सरकारी अस्पतालों में बने हुए हैं, जब मैंने वहां दौरा किया और जो यूथ है उनसे मैंने बात की, जो वैक्सीन लगाने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनसे बात की, तो उनका जो रिएक्शन था बहुत पॉजिटिव है और वैक्सीन को लेकर वो पढ़ कर आ रहे हैं, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करते हैं, जो एहतियात वो पहले से कर रहे हैं। और जब डॉक्टरों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो पहले हम लोगों ने वैक्सीन लगाई है, जिस भी एज ग्रुप को लगाई है, इतना ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी, जो यूथ है, जो बच्चे आ रहे हैं, हमने नहीं देखी। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है देश के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम जो कोरोना वैक्सीन के खिलाफ, जो कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये यूथ जो हमारे लिए एग्जाम्पल साबित हो गए। जी बिल्कुल अशफाक, बच्चों में तो उत्साह देखा ही जा रहा है क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डॉक्टरों का भी यही कहना है कि किशोरों में जब से टीकाकरण शुरू हुआ है लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी तक कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन किशोरों का उत्तर प्रदेश में हो चुका है? देखिए, अभी जो है आज जो है डाटा करीब जो है ये 12 बजे के आसपास हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीज करता है, लेकिन जो कल का अगर हम बात करें तो जो टारगेट रखा था पूरे देश में, जो टारगेट रखा गया था उसमें उत्तर प्रदेश में करीब 93% डेटा जो है टारगेट जो है अचीव किया गया था। और ये जो 7% डेटा था ये दरअसल जो है जो जिनके आधार नंबर या कुछ मिसिंग है और कोई वजह से ये नहीं आ पाया, उनको उनको जो है जो जब वो सेंटर में पहुंचे तो उनका हल्का फीवर या कोई दूसरी दिक्कत की वजह से इन्हें वापस देगा, वरना सरकार जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है उनका ये कहना कि हम 100% डेटा जो है जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। और इसमें सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि स्कूल कॉलेजों में भी जो कॉलेजेस हैं, जो उनके प्रिंसिपल दानाचार हैं, जो दूसरे टीचर हैं, वो इसमें बहुत मदद कर रहे हैं और तमाम एनजीओ भी यूथ को बहुत समझा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उत्साह है युवाओं में मुझे लगता है कि जो है सबसे ज्यादा देखा जा रहा। और यही वजह है कि जो है सरकार जो है इसको लेकर काफी उत्साहित है और जल्द ही हम जो है जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कर लेंगे। बिल्कुल अशफाक, लगातार बच्चे उत्साहित तो नजर आ ही रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित कोरोना टीकाकरण के दौरान दिखाई दे रहे हैं। जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह से की गई, क्योंकि संक्रमण भी लगातार फैल रहा है और टीकाकरण के दौरान संक्रमण और ज्यादा ना फैले तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन टीकाकरण केंद्रों पर कराया जा रहा है? देखिए, मैंने जो है राजधानी के 4 अस्पतालों का जब दौरा किया तो व्यवस्थाएं खास लोहिया अस्पताल जो है, सिविल अस्पताल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज और बल्लामपुर, ये बड़े अस्पताल राजधानी लखनऊ के, और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दिखी। खास तौर पे जो डॉक्टर थे वेल ड्रेस दिखे, जो स्टाफ थे वो बहुत सपोर्टिंग नजर आए। और दरअसल मैंने जब दौरा किया तो मैंने अपने कैमरा टीम को सेंटर के बाहर रखा और मैंने
मैं अकेले जाकर देखना चाहता था कि वाकई ये व्यवस्था या कैमरा देख की जाती है। लेकिन ये इस बात की खुशी है कि जो हमारे हेल्थ कर्मी है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव है। बगैर मास्क के एंट्री नहीं हो रही है अंदर, और सबको बताया जा रहा है जब अंदर इंटर करते हैं जो बच्चे, उन्हें एक काउंसलर बैठा हुआ है जो उन्हें सारी चीजें बताता है। फिर उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग बैठा के अंदर जो बड़े हॉल में काफी डिस्टेंस पर उन्हें बैठाया जा रहा है, और जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उनके पास भी एक डॉक्टर खड़े रहते हैं जो उनको समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो उनको जो है वैक्सीन लगाने के बाद करीब 2 घंटे वहां इंतजार कराया जाता है, और ताकि जो अगर कोई उनको दिक्कत महसूस हो तो उस वक्त उनका तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हेल्थ कर्मी है, जो हमारे डॉक्टर है, वो इस लड़ाई में जो फ्रंट जो कहते हैं वॉरियर जो है वो सबसे अग्रणी है और प्रशासन इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अशफाक, लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ये सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा।